दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग रनिंग शू की डिमांड कर रहे थे, तो हमने क्या किया इस वीडियो में? मजा आ रहा है? नहीं आ रहा ना? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग रनिंग शू की डिमांड कर रहे थे, हमने क्या किया कि 500 से लेकर 2000 तक 5 ऐसे जूते आपके लिए सिलेक्ट किए हैं जो कि बहुत ज्यादा बेहतरीन है, बेहतरीन ब्रांड से आते हैं। तो 500 वाले लोगों की भी डिमांड पूरी होगी, 2000 की भी होगी। फटाफट चलते हैं वीडियो में। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम महंगे से स्टार्ट करेंगे, लोएस्ट प्राइस तक जाएंगे। देखने वाले हैं पूमा का जूता, प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई है 4,499, लेकिन आपको एग्जैक्ट कितना पे करना है वो मैं आपको एंड में बता दूंगा। पूमा का आपको टिपिकल बॉक्स मिल जाएगा एंड इस मॉडल का नाम है पेसर फायर IDP। ऑलराइट, फटाफट निकाल दे भाई कागज को। एंड यस, जूता बहुत ज्यादा लाइट वेट है। इसके अपर बॉडी की बात करें, पूरी मेश बनाई गई है। मेजरली आपको दो कलर देखने को मिलेंगे, डार्क ग्रे है एंड व्हाइट है। मेश होने के कारण ये जूता बहुत ज्यादा लाइट हो जा रहा है, साथ ही ये एकदम फ्यूज टंग के साथ आता है। जैसे पैरों में सॉक्स डालते हो ना, इजीली जूते को पहन सकते हो। ऊपर वाला जो लेस है ना, ये बस आर्टिफिशियल लेस होता है, उतना आप कस के टाइट नहीं कर पाओगे। मेजरली ये जूता ही आपके पैरों को ना अच्छे से पकड़ लेगा। फ्रंट में आपको पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जहाँ पर टंग होता है वहाँ पर आपको एक पैच मिल जाएगा जिसपे पूमा की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। पीछे आपको एक पुल टैब मिल जाएगा, उसके ठीक नीचे आपको एक बड़ा सा लेदर पैच मिलता है जो कि इसके एंकल के पार्ट को ना सपोर्ट देता है। अंदर की तरफ आपको यहाँ पर बहुत अच्छी पैडिंग देखने को मिलेगी। इंसोल की बात करें, डेफिनेटली बहुत ज्यादा तगड़ा इंसोल नहीं है, लेकिन एक अच्छा डिसेंट क्वालिटी का इंसोल इसमें आपको दिया गया है, जिसमें आपको पूमा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। अंदर अंदर तक आपको हल्की हल्की पैडिंग मिलती है और आउटर और इनर साइड में आपको थोड़ी सी ना बकल टाइप की यहाँ पर डिजाइनिंग दी गई है। एग्जैक्ट आप बीरोल के थ्रू देख पा रहे होंगे कैसा ये डिजाइन है। खींच वीच के अगर देखो ना, तो स्ट्रॉन्ग इनफ फील होता है। आउटर सोल की बात करें, तो आपको इसमें EVA फोम देखने को मिलेगा जिसपे हल्के हल्के आपको पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। और नीचे आपको पूरे बॉटम सोल पे हार्ड रबर ग्रिप देखने को मिल जाएगा जिसपे अलग अलग ग्रूव्स बनाए गए हैं एंड पूमा की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। ओवरऑल जूते की बात करें ना, तो एक बहुत ज्यादा बैलेंस्ड कैजुअल प्लस रनिंग प्लस वॉकिंग शू आप इसे बोल सकते हो। इस जूते के लिए आपको महज पे करने हैं 1700 रुपए। आप ही मुझे एग्जैक्ट प्राइस बताने को बोलते हो, अगर प्राइस आगे पीछे हो गया तो आप समझ लेना कम भी हो सकता है बढ़ भी सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट जूता आ गया हमारे पास में, देखने वाले कि एशियन का बहुत खूबसूरत जूता। प्राइसिंग यहां पे लिखी गई है 2299, इतना आपको पे नहीं करना है, डोंट वरी, एकदम बेस्ट प्राइस में आपको बताऊंगा। मॉडल नंबर यहां पे लिखा हुआ है Carbon 03। फटाफट निकाल दे जूते को। ऑलराइट, सो ये इस तरह के प्लास्टिक में आता है और ये प्लास्टिक नहीं आना चाहिए था, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक और हल्का जूता देखो, ये निटेड फैब्रिक से बने वाले जूते की क्या खास बात होती है ना, कि अपर बॉडी में ना कोई वेट ही नहीं आता। जो भी आप वेट फील करोगे ना, वो इसके आउटर सोल के थ्रू ही फील करोगे। जूते में मेजरली आपको दो कलर देखने को मिलेंगे, व्हाइट और कहीं कहीं पे आपको फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर का ना टच मिलेगा। पूरी बॉडी निटेड फैब्रिक से बनाई गई है, अलग अलग पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। लेस होल्स के साइड में आपको रबर की कोटिंग मिलेगी जिसपे व्हाइट कलर के लेस यूज हुए हैं। मेश से बना हुआ पूरा टंग आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर में आपको एशियन की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो की फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर से की गई है, लिखा हुआ एशियन फिट फाइन। 8 के बाद आता है 9। अंदर के अगर पैडिंग की बात करें, तो एंकल के पास में ना मुझे जरा से भी पैडिंग यहाँ पर नहीं फील हो रही है, पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है। इसमें आपको वही पुराना एशियन का मेमोरी फोम देखने को मिल जाएगा जो कि सेम अजीब से कलर फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर में है। अंदर के अगर पैडिंग वाइडिंग की बात करें ना, तो दूसरे एशियन के जूतों में ना हल्की हल्की पैडिंग होती थी, वो भी इसमें मुझे थोड़ी सी मिस लग रही है। पीछे आपको एक पुट्टा मिल जाएगा और उसके नीचे ठीक आपको लेदर का पैच मिलता है जिसके ऊपर आपको एशियन की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और लेदर के पैच को भी ना हल्का सा ऐसा करके ना एक्स्ट्रा छोड़ दिया गया है। आउटर सोल की बात करें, तो इसमें आपको मिलता है एशियन का कार्बन कुशन टेक्नोलॉजी। आपको बता दूं कि ये वीडियो किसी भी ब्रांड के थ्रू स्पॉन्सर्ड नहीं, एकदम दिल से निकलेगी आवाज आप तक। तो अगर आउटर सोल को देखोगे, इसे ना ट्रांसपेरेंट टाइप का डिजाइन किया गया है, यानी अंदर के फोम को ना आप देख सकते हो, फील कर सकते हो। इसमें व्हाइट कलर का फोम तो डाला गया है, साथ ही उसमें हल्के हल्के कलर के स्प्लैशेस यूज किए गए हैं जो कि एक डिजाइन एलिमेंट की तरह निकल कर आ रहे हैं। आउटर साइड में आपको एशियन की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ओवरऑल अगर जूते की बात करें ना, पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था। हमने इसे पहना, थोड़ा थोड़ा नहीं, ये सॉक्स की तरह फील होता है। सीधी बात कहूं तो पैरों में पकड़ सा लेता है। पहनने के बाद ऐसा फील होता है ना कि ऊपर में बस आपने सॉक्स पहना हुआ और नीचे आपके कुछ लग गया जिससे आप चल रहे हो। अमेजिंग डिजाइन है। हालांकि ये एग्जैक्ट डिजाइन ना मैंने रेड टेप के भी जूते में देखी हुई है जो कि इससे थोड़ी सी बेटर थी लेकिन महंगी भी थी। ये जूता आपको एग्जैक्टली मिलेगा 1200 रुपए के आसपास में। अरे मैं पहन के मैं कैसा लग रहा हूं, ये सारी चीजें आप पीछे देख रहे हो। फटाफट चलते हैं, मचाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट जूता आ गया हमारे पास में, एशियन का एक बहुत खूबसूरत जूता, और ये मेरा पर्सनल ना इस पूरे वीडियो का सबसे फेवरेट जूता है। एशियन का आपको टिपिकल बॉक्स मिल जाएगा, प्राइसिंग यहाँ पे लिखी हुई है 2299 सेम प्राइसिंग, और मॉडल है यहाँ पर Chrome 01। इसके बाद आपने देखा Chrome 03, ये है 1, लेकिन मच मच बेटर देन 3। जस्ट लुक एट दिस। इसका एक और कलर भी है मेरे पास, उसको हम भी फटाफट निकाल लेते हैं, आइए देखते हैं। ऑलराइट, सो एक और बॉक्स, ये एक और कलर, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है भाई। नो प्लास्टिक, नो छोला छाप हो, क्या करता है रे तेरी तो। अरे कागज वागज निकाल लेते भाई, सब क्या कागज निकाल लो, लाओ मत अटैक आ जाएगा। अब मेरा भाई खा ले,
पूरा जमा कर, पूरा कचड़ा हो गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल जूते बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ब्लू को रखते साइड में व्हाइट पे बात करेंगे क्योंकि एक्चुअली लोग ज्यादा ना व्हाइट प्रेफर करते हैं। एक नजर में बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगता है। बॉडी की जो डिजाइनिंग है ना एकदम सेम तरह से की गई है, पूरी बॉडी निटेड फैब्रिक से बनाई गई है, लेकिन इसकी निटिंग ना थोड़ी सी आपको घनी मिलेगी, साथ ही अंदर तक अगर छुओगे ना तो हल्के हल्के आपको इसमें ना पैडिंग फील होगी। तो समझ लो कि मेश एंड निटिंग का ना थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आपको फील होगा। अलग अलग आपको टेक्सचर्स देखने को मिल जाएंगे, साइड में आपको एशियन की ब्रांडिंग मिल जाएगी, लेस होल्स के साइड में आपको रबर की कोटिंग मिलेगी जिससे थोड़ा ना मजबूत हो जाता है इसके लेस के जो पंच होल्स होते हैं ना। मेश का पूरा आपको टंग मिल जाएगा जिसके ऊपर आपको एशियन की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और सबसे खूबसूरत चीज पीछे ली हुई मिल जाएगी, मेड इन इंडिया। मैं हाईली मेड इन इंडिया वाले प्रोडक्ट्स को ना बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ दिल से। साइड साइड में आपको पैडिंग वैडिंग एकदम तगड़ी मिल जाएगी। इसमें भी सेम आपको ऑरेंज कलर का इनका मेमोरी फोम देखने को मिल जाएगा जो कि अच्छा है और सालों साल से चले आ रहा है। पीछे आपको एक पुल टाइप मिल जाएगा, उसके नीचे आपको लेदर पैच मिलेगा जिसमें ब्लू ऑरेंज ऑरेंज ब्लू ऐसे करके ना डिजाइन बनाया गया है। ठीक उसके बाद अगर आउटर सोल को देखें तो ये सबसे ज्यादा खूबसूरत पार्ट है। इसमें एकदम ट्रांसलूसेंट टाइप का आउटर सोल डाला गया है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, साथ ही ग्रेडियंट कलर में है। तो स्टार्टिंग से ब्लू होगा, फिर ऑफ व्हाइट होगा, फिर ब्लू हो जाएगा। और अगर फोम के क्वालिटी की बात करें ना, टॉप नॉच क्वालिटी है। अभी आप देख रहे होंगे मैं पैर से प्रेस कर रहा हूं जूते को, लिटरली अगर हाथों से भी दबाओ ना तो इसका हार्ड रबर ग्रिप भी ना भाई बाहर निकल निकल के एकदम मस्त एकदम कुशनी कुशनी फील होता भाई। ब्लू कलर वाले को भी देख लेते हैं, इसमें आपको ब्लू कलर पूरा ओवरऑल देखने को मिलेगा और कहीं कहीं मस्टर्ड येलो की आपको फिनिशिंग मिलेगी। जल्दी जूते अगर आप डिजाइन करते हो ना ये ब्रांड के लिए स्पेशली, मैक्स टू मैक्स ना दो कलर पे जाने की कोशिश करें तो जूता ठीक ठाक और पहनने योग्य दिखता है। अब इस खूबसूरत जूते को ही ले लो, पूरा व्हाइट एंड ब्लू में अगर बनता तो कितना खूबसूरत लगता, लेकिन वही हगने के लिए यहाँ पर ऑरेंज ऑरेंज डाल दिया। दो कलर दो बूंद की जिंदगी, हकना माना है पोलियो पी कुछ भी। प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये आपको मिलेगा महज 1200 रुपए में। अगर आपको एक हाइब्रिड जूता चाहिए ना जो कि आपके कैजुअल में भी काम आए, रनिंग में भी काम आए, जिम में भी काम आए, तो इसके लिए आप जा सकते हो। नेक्स्ट ब्रांड आ गया हमारे पास में कैंपस का ब्रांड, और अब हम आ गए हैं 1000 रुपए के अंदर भाई। तो फटाफट निकालते हैं जूते को, और प्राइसिंग तो हम देखना भूल ही गए। प्राइस लिखा हुआ है 1699, आपको पे नहीं करना है। आर्टिकल नेम माइकी। माइकी कितना कॉपी करोगे, लोगो देखे हो कभी कैंपस? नाइकी को दो बार घुमा देने से ना कैंपस बनता है, और मॉडल रख दिए माइकी, माइक भी हो सकता है। ऑलराइट, सो आज तक का सबसे काला जूता मैं देख रहा हूँ भाई, सच में बहुत ज्यादा काला है। माँ मुझे काला क्यों बनाया? गोरा बनाती तो तुम मैला हो जाता। हाँ। सेम एस्थेटिक्स के साथ ये भी जूता आता है, पूरी बॉडी निटेड फैब्रिक से बनाई गई है और सोल पे ही पूरा इसका वेट फील होता है। इसमें आपको निटेड फैब्रिक मिल जाएगी, अलग अलग टेक्सचर मिल जाएंगे, वेंटिलेशन के लिए होल मिल जाएंगे, मेश का पूरा टंग मिलेगा, ऊपर में आपको कैनवास की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि एक पुल टैप बनाया गया है। ये जो पूरा पैच आप देख रहे हो ना ये रिफ्लेक्ट करता है, ये चीज बस अलग है। साइड साइड में आपको पैडिंग वैडिंग अच्छी मिलती है, इसमें आपको मेमोरी फोम मिल जाएगा ब्लैक कलर का, अंदर आपको हल्की हल्की पैडिंग मिल जाएगी, पीछे आपको एक पुलटा मिल जाएगा, एंकल कट मस्त है। आउटर सोल की बात करें, ब्लैक कलर का पूरा आउटर सोल है जिसमें फ्रंट में आपको बहुत कुशनी वाला ईवीए फोम देखने को मिलता है जिसकी क्वालिटी सच में अच्छी है, और पीछे एक बड़ा सा ना क्लिप जैसा डिजाइन किया गया है जहां पर ये एयर कैप्सूल को ना अटैच किया गया है। एक्चुअली बात करूं तो एयर कैप्सूल ना उतना भी ना इसमें आराम से दबता नहीं है उंगलियों से, पैरों में जब मैंने पहना ना तो उसमें दब रहा था फील हो रहा था। जनरली दूसरे एयर कैप्सूल वाले जूते देखोगे ना तो उसमें आर पार ऐसा करके दिखता है, इसमें नहीं दिखता। क्या ये बुरी बात है? नहीं, एयर दिखने से क्या होता है ना कि वो जूता ना थोड़ा सा ना वो स्पोर्ट्स फोकस दिखने लगता है। भाई इसमें एयर है तो ये तो दौड़ने में ही पहनोगे, ये तो फिर रनिंग में ही पहनोगे, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? बात तो की है भाई। ये नहीं दिखने से ना आप इसे जनरली कैजुअली भी पहन पाओगे। नीचे आपको हार्ड रबर ग्रिप मिल जाएगा, और ये कंपार्टमेंट आप देख सकते हो जहां पर कैंपस की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। ओवरऑल एक तगड़ा जबरदस्त काला मस्त जूता बनाया गया है। काला है तो हमेशा आप मल्टीपल आउटफिट्स के साथ आराम से पहन पाओगे। नेक्स्ट हम आ गए हैं 500 के अंदर भाई। 500 के अंदर इस वक्त जूता मिलना ना दोस्तों बहुत ज्यादा महंगा है। सच में महंगाई बड़ी स्पीड में बढ़ रही है, सही बात बोले भैया। लेकिन एक ब्रांड जो है वो एकदम मेरे बचपन से लेके आज तक 55 तक सेम प्राइसिंग में जूते बेच रहा है। ब्रांड का नाम है यूनिस्टार। हमने आपको बहुत बार इनके जूते दिखाए हुए हैं। जूते के अंदर इनके ही काटन छाटन वाला जो निकलता है ना वही इसमें भर देते हैं। हम क्या करेंगे भाई कचड़ा का, तुम खरीदे हो तुम ही रख लो। तो अगर जूते की बात करें ना, ये बहुत ज्यादा रफ एंड टफ वाला जूता है जिसको पहनकर आप दौड़ सकते हो। अगर बॉडी की बात करें, पूरी बॉडी ना टेक्सटाइल फैब्रिक से बनाई जाती है तो एकदम ऐसा ना
पूरा दब वब जाता है, इसको मोड़ो, ऐसे करो वैसे करो, कुछ नहीं होने वाला इस जूते को। ब्लैक कलर की पूरी आपको बॉडी मिल जाएगी, साइड साइड में आपको सिंथेटिक स्वेट टाइप की फैब्रिक की पैचिंग मिलेगी यहाँ वहाँ, और साइड में ऐसे एसिक्स में कैसे होता है वैसे करके भाई यहाँ पर डिजाइन किया गया है। पीछे आपको यूनिस्टार लिखा हुआ मिल जाएगा। टंग भी एकदम ना कुछ नहीं है टंग में, ना पैडिंग है ना मेशिंग है, कुछ नहीं, बस एक पतला सा टंग है। यूनिस्टार की आपको इसमें ब्रांडिंग मिल जाएगी, ब्लैक कलर का लेस मिल जाएगा। इनसोल इसमें भाई बहुत अच्छा दिया गया है, लिटरली एक मोटा सा फोम दिया गया है अच्छी क्वालिटी का, तो आपको पहनने में इस जूते को आराम होने वाला है। आउटर सोल की बात करें तो इसमें मिड सोल आपको पूरा रबर का मिलेगा, और बॉटम सोल में आपको हार्ड रबर ग्रिप देखने को मिल जाएगा, जिसमें बहुत तगड़े तरीके से ग्रूव्स बनाए गए हैं। ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। सीधी सी बात है, अगर आपको 500 रुपए में ना रफ एंड टफ जूता चाहिए ना, आप इसके लिए जा सकते हो। इसका एक ना पहले ब्रांड आता था गोल्ड स्टार, उसके बाद आप ये ना यूनिस्टार होने लग गया। लेकिन जो भी है क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, कचड़ा यहाँ पर भी निकल रहा है बब्बा ना भरा हुआ है, लेकिन सच में प्राइस के हिसाब से ना बहुत तगड़ा जूता है, आराम से इसके लिए जा सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो चलिए मेक श्योर की वीडियो को लाइक करके चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे बहुत ही धुआंधार आपके लिए अनबॉक्सिंग ला रहे हैं। ऐसे ऐसे ब्रांड के जूते आप देखने वाले हो ना, लिटरली आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हम इस चैनल पे वैसे जूते लाएंगे। तो समझ लो कैसे जूते लाएंगे। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।